दोस्तों आपने साल 1994 की फिल्म मोहरा तो देखी होगी, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गानों को भी बड़ा पसंद किया गया, जिसके चलते ये उस साल की सेकंड ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। भला हो भी क्यों ना ब्लॉकबस्टर, क्योंकि इस फिल्म में हमारे कुछ टैलेंटेड कलाकार भी तो थे, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया और काफी पॉपुलर हो गए। लेकिन दोस्तों आप इन कलाकारों को तो अच्छे से जानते हैं, क्या इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए आई जानते हैं कौन है वो। नंबर 5, रवीना टंडन। इस फिल्म में मुख्य किरदार रोमा सिंह का अभिनेत्री रवीना टंडन ने निभाया, जो कि इस फिल्म में अमर सक्सेना की प्रेमिका होती है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग तू चीज बड़ी है मस्त मस्त पर डांस भी किया, जिसके चलते इस गाने से पॉपुलर हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम अनिल थदानी है, जिनसे इन्होंने 2004 में शादी की। आज इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम राशा और बेटे का नाम रणबीर है। आपको बता दें इनके पति एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिल्म सिटी में इनका जाना माना नाम है, और साथ ही ये सिम्फनी कैपिटल पार्टनर्स कंपनी के चेयरपर्सन भी है। नंबर 4, परेश रावल। इस फिल्म में सहायक अभिनेता के तौर पर परेश रावल भी दिखे थे, जिन्होंने इस फिल्म में काशीनाथ साहू का किरदार निभाया, जो कि फिल्म में हवलदार होते हैं। पहले तो एक खलनायक के साथ मिले हुए होते हैं, बाद में ईमानदार हो जाते हैं, अमर सक्सेना की बहुत मदद करते हैं। इस फिल्म में इन्होंने दोनों ही किरदारों को अच्छे से पर्दे पर उतारा और काफी पॉपुलर हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, जिनसे उन्होंने 1987 में शादी की। आज तक दोनों साथ हैं। इन दोनों के दो बेटे हैं, अनिरुद्ध और आदित्य। आपको बता दें इनकी पत्नी 1979 की मिस इंडिया भी रह चुकी है और साथ ही एक अभिनेत्री भी। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें नरम गरम और उरी जैसी हिट फिल्में शामिल है। नंबर 3, अक्षय कुमार। इस फिल्म में मेन लीड एक्टर अमर सक्सेना का किरदार अभिनेता अक्षय कुमार ने निभाया, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाले होते हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार के साथ भी इंसाफ कर ही दिया और पॉपुलर हो गए। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम ट्विंकल खन्ना है, जिनसे इन्होंने साल 2001 में शादी की। आज इनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं और दोनों में बड़ा अच्छा रिश्ता है। अक्षय और ट्विंकल के दो बच्चे हैं, जिनका नाम आरव और नितारा कुमार है। इनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने बादशाह और मेला जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर 2, सुनील शेट्टी। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता विशाल अग्निहोत्री का किरदार अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया, जिनकी पत्नी और बहन को गुंडे रेप करके मार देते हैं और इसका बदला ये उन गद्दारों से लेते हैं। इस फिल्म में इन्होंने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और काफी प्रसिद्ध भी हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम माना शेट्टी है, जिनसे इन्होंने 1991 में शादी की। आज इनके दो बच्चे हैं, बेटे का नाम अथिया शेट्टी और बेटे का नाम आहान शेट्टी है। आपको बता दें इनकी पत्नी पेशे से फैशन डिजाइनर है, जो कई अभिनेत्रियों के लिए ड्रेस डिजाइन कर चुकी है। साथ ही सेव द चिल्ड्रन नाम का एनजीओ भी चलाती है, जिसमें गरीब बच्चों की देखरेख करती है। नंबर 1, पूनम जावर। इस फिल्म में प्रिया अग्निहोत्री का किरदार अभिनेत्री पूनम जावर ने निभाया, जो इस फिल्म में पवित्र महिला का किरदार निभाती है, जो गुंडों से बचने के लिए खुद ही सुसाइड कर लेती है। इस किरदार के साथ इन पर एक सॉन्ग भी फिल्माया गया, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और इस गाने से लोकप्रिय हो गई। लेकिन अगर बात करें इनके पति, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की, ये अभी तक सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों आपको मोहरा फिल्म में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।